नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जो राधा किशन दमानी जी के कंपनीज है। और इस कंपनी के ऊपर मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मुझे मिलता है। तो इसी चीज़ आपके साथ में शेयर भी करता हूँ और आपको अच्छे खासे स्टॉक के बारे में जानकारी भी देता हूँ। और मतलब बुरे स्टॉक नहीं कहूँगा, हर कंपनी अच्छे होते हैं मगर उसका परफॉर्मेंस खराब होते हैं, इस तरीके से कंपनी के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा डीमार्ट के बारे में। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैं डीमार्ट के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था और जितने सारे लोगों ने देखे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तब आपको बताया था कि कंपनी का जब रिजल्ट आएगा, क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा, तब मैं इसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा और वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, दूसरी बात जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर की बात की, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आपका एक एक लाइक मेरे तो मतलब दिल खुश कर देता है, तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट आपको रिजल्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट, जिसको आप एवेन्यू सुपरमार्ट नाम से जानते हैं, तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड जो राधा किशन दमानी जी के कंपनी से, आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी को, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट, देखिए लोग कहते हैं कि राकेश झुंझुनवाला जी एक वॉरेन बफेट है, मतलब वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता है, मगर मैं जरूर कहूंगा वॉरेन बफेट आपको बोलना ही है तो राधा किशन दमानी जी को बोलिए। तो राधा किशन दमानी जी को क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी ने सीखा किससे, राधा किशन दमानी जी से। आज राकेश झुंझुनवाला जितने सक्सेस हुए, उन्होंने, देखिए मैं नहीं बताऊं, उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि मेरा गुरु कौन सा है, राधा किशन दमानी जी। अरे राधा किशन दमानी जी का जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज है, जो स्टॉक पिक करने का जो मतलब स्ट्रैटेजीज है, वो ऑब्वियसली जबरदस्त है, जबरदस्त है, मैं जरूर कहूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो स्टॉक अच्छे से अच्छे चूज करिए। देखिए जिस लोगों ने सक्सेस हुआ, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, और उसी लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा फेल नहीं होगा, उसको पता है कैसे बिजनेस करना है, उसको पूरा बिजनेस का नॉलेज है। देखिए वो इतना दिन स्टॉक में निवेश कर रहा है इसीलिए कि वो बिजनेस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके ही निवेश कर रहा है। उस कंपनी में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या कर रहा है, उसके सारे इन्फॉर्मेशन हमेशा वो रखते हैं, तो इसीलिए वो आज सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। देखिए आप और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, कंपनी के बारे में चलो थोड़ा सा नॉलेज ले लिया, चलो कंपनी अच्छा है, चलो निवेश कर देता हूँ और उसको भूल जाता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करें, नहीं करिएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमेशा अपडेट रहेगा। आज कंपनी में अच्छा हो रहा है, कल अगर अच्छा ना हुआ, कल कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसका बिजनेस खा गया, तो इस तरीके से न्यूज अपडेट आपको हमेशा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं क्वार्टर का रिजल्ट आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बहुत कुछ बोल दिया, वहां भी चाहता हूँ, तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो बात है कंपनी के मतलब टोटल इनकम, जो रेवेन्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले बता दूं करोड़ों में फिगर है, फर्स्ट जो कॉलम है इस बार का मतलब क्वार्टर वन का, सेकंड जो कॉलम है क्वार्टर फोर पिछले बारों का, यहाँ पे क्वार्टर मतलब यहाँ पे देखिए क्वार्टर वन यहाँ पे पिछले सालों का। एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे, यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए अनऑडिटेड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अनऑडिटेड और इवन ऑडिटेड भी है, तो मतलब ऑडिटेड भी है। तो ऑडिटेड है, अनऑडिटेड है, इसका मतलब क्या है, देखिए जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है उसको ऑडिटेड मतलब करने से पहले ही कंपनी ने जो रिजल्ट किया है उसको सेबी के पास जमा करते हैं और सेबी उसको पब्लिश कर देते हैं, तो इसको अनऑडिटेड रिजल्ट कहा जाता है। मतलब कंपनी ने अभी तक फाइनली ऑडिटेड नहीं किया कि कंपनी ने जो पब्लिश किया वो कितना सही है, कितना गलत है, उसका हर डेटा क्लियर है कि नहीं, उसके बारे में क्लियर नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ऑडिटेड लिखा है, मतलब इस रिजल्ट को यहाँ पे जो दिया है वो ऑडिटेड है, मतलब कंपनी ने जो दिया है उसको ऑडिटेड किया और फाइनली मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने साइन किया कि चलो ये ठीक ठाक है।
अगर अनऑडिटेड मतलब इसमें कुछ गलती भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकते हैं, तो फिर भी कंपनी ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि उस प्रोडक्ट मतलब टोटली मतलब पार्ट को वो सेबी के पास जमा करते हैं, तो सेबी उसको टोटली क्लियर करते हैं। फिर भी कंपनी तो कंपनी है, वो कभी भी गलत कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके से डेटा को वो छुपा भी सकते हैं। आज गलत नहीं करता तो आज इतना फ्रॉड नहीं होता, आज बैंक इतना लूटा नहीं जाता, मतलब बैंक का इतना कर्जा लेकर वो भाग नहीं जाते बहुत सारे कंपनीज। तो मेरे कहने का मतलब नहीं ये नहीं कि इस कंपनी ऐसे किया है। तो चलो देख लेते हैं। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 10,000 के आसपास, 10,000 करोड़ का आसपास इनकम किया, जो पिछले बार था 8,800 करोड़, पिछले साल में था 5,200 करोड़। इसका जम देखिए सर, जम जब मैं पिछले एक वीडियो बना के दिया था तब अराउंड अराउंड 5 से 7% का जम देखने को मिला था, तो अचानक मतलब स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था। ये जो गैप गैप अप में ओपन हुआ उसके पीछे कारण क्या था, कंपनी ने रिजल्ट आने से पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश किया कंपनी का सेल्स कितना हुआ है। देखिए सेल से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट कहाँ किस तरीके से होगा। तो देखिए डबल जंप, यहाँ पे डबल जंप ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो डबल जंप हो चुके हैं। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अराउंड अराउंड 2,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने का इनकम बढ़ा है। अभी देखने हैं कंपनी के एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो देखिए 9,000 करोड़ पिछले सालों में था, 8,000 करोड़ पिछले क्वार्टर में, सॉरी पिछले क्वार्टर में था 8,000 करोड़ और पिछले सालों में था 5,000 करोड़। इसका मतलब देखिए यह नहीं कि कंपनी के इनकम जबरदस्त हुआ, कंपनी के एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ, मगर फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस कंपनी ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, इसीलिए कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, और आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मतलब एडजस्टमेंट होते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप इस चीज को भी देख सकते हैं। अराउंड अराउंड 641 करोड़ जो पिछले बार था 426 करोड़, पिछले साल में था ओनली 94 करोड़। तो यही आज के दिन का जो स्टॉक का जो धमाका धमाका होने के पीछे सिर्फ यही कारण है, धमाका कर दिया, टोटली धमाका है, मैं जरूर कहूंगा धमाका हो गया, क्योंकि 94 करोड़ से डायरेक्ट 641 करोड़ एक साल में ये जो टर्नओवर है वो आप सोचिए। इसीलिए मैं डीमार्ट को इतना पसंद करता हूँ क्योंकि इसका बिजनेस जितने सारे रिटेल बिजनेस करते हैं ना, जैसे आप देखेंगे तो फ्यूचर रिटेल आप जानते हैं ऑब्वियसली बिग बाजार को, तो उसका बिजनेस की क्या क्या होते हैं और इसका बिजनेस क्या होता है, आप यूट्यूब में जाकर से राधाकिशन दमानी जी का स्टोरी देख लीजिए, इस डीमार्ट का स्टोरी देख लीजिए, आपको क्लियर मिल जाएगा, विजन मिल जाएगा कि कंपनी का जो ओनर है उसका विजन क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका बिजनेस का मॉडल क्या है, आपको वहां से ही पता चलेगा, तभी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को देख लीजिए, वो मेरा वीडियो नहीं है, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो देखिए कंपनी का जो अभी जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो आपको शानदार दिखेगा। अर्निंग पर शेयर सब देख लीजिए 9.93, जो पिछले बार था 6.59, पिछले साल में तो था ओनली 1.47, 1.47 से डायरेक्ट 10, कितना ग्रोथ। तो इतना शानदार ग्रोथ होने के कारण आज के दिन का आज का नजरिया कुछ देखने को अलग मिला। देखिए मैं जब पिछले जो वीडियो लास्ट वीडियो बना था इसके ऊपर, तब मैं आपको बताया था कि धमाका होने वाला है इस कंपनी का रिजल्ट के ऊपर, तो रिजल्ट तो आ ही चुके होंगे, तो मतलब आ चुके हैं, तो उसका रिजल्ट आपको देखकर ही लग रहा है कि कंपनी का धमाका सचमुच में हो गया। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपके सामने ही है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो एक सब सबके मन में सिर्फ एक ही बात मतलब आते रहते हैं कि सर इस कंपनी का तो पी रेशियो बहुत हाई है। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ इसके पी रेशियो, देखकर ही लोग कहेंगे चलो सर इस कंपनी में आप निवेश करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब देखिए मैं कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, निवेश करना ना करना आपके हाथ में होगा। हमेशा मैं यही डिसीजन आपको लेने के लिए बोलता हूँ कि देखिए अगर मान के चलिए आप जब छोटे थे जब पढ़ाई करते थे तो टीचर आपको पढ़ाते थे, मगर ये नहीं कहते थे कि आप चलो आपका एग्जाम में आपके पास में बैठूंगा आपको बोलूंगा चलो ये लिखो, ऐसे बिल्कुल नहीं होते थे। आपको टीचर पढ़ाते थे, उस नॉलेज को लेकर आप घर जाके और भी स्टडी करते थे, उसके बाद आप स्कूल में जाकर एग्जाम देते थे। तो सेम टू सेम आपको सर मैं यहाँ पे मैं सिखाने के लिए आया हूँ कि कंपनी का हालत क्या है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, उसको देखकर आपको थोड़ा सा रिव्यू करना होगा, आपको थोड़ा सा जानकारी लेना होगा, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर टूट पड़िए। देखिए कंपनी के ऊपर पी रेशियो के लोग बात करते हैं तो अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो 125 है, मतलब हाई पी रेशियो है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 125 रुपया लगा रहा है, तो ये कोई छोटा मोटा तो इन्वेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। तो ये एक हाई इन्वेस्टमेंट कारण भी इतना कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर
मुझे लगता है हाई पी रेशियो भी कंपनी के ऊपर खरीदना चाहिए। देखिए लोग फाइव स्टार होटल में भी जाते हैं, सेवन स्टार होटल में भी जाते हैं। फाइव स्टार होटल में, थ्री स्टार होटल में जो फैसिलिटीज मिलता है, सेवन स्टार होटल में ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, मगर सेम टू सेम रूम मिलेगा। मतलब रूम, एक ही रूम मिलेगा, एक ही सारे के सारे चीज मिलेगा, मगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा लग्जरीज, इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी आपको चूज करना है, हाई प्राइस में खरीदना है कि नहीं है वो अलग बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी अगर बेस्ट है तो मेरे हिसाब से आपको उसके ऊपर टिके रहना चाहिए। देखिए मेरे बात भी नहीं है, राकेश झुंझुनवाला जी ने भी कहा है कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट है तो उसका पी रेशियो पहले अवॉइड कर दो, पी रेशियो देख देख कर निवेश मत करिए, क्योंकि यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस में एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी सर इस बार ने प्रॉफिट नहीं किया, कंटिन्यूसली रेवेन्यू को ग्रोथ कर रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज भी शानदार देखने को मिला। और इस कंपनी की सबसे बड़ी चीज क्या है जानते हैं, कंपनी का कर्जा, बीच में तो कोई भी कर्जा नहीं था, इस बार छोटा मोटा कर्जा 0.05 का कर्जा ना के बराबर, कभी भी चुकता कर सकते हैं, क्योंकि इसका कर्जा आप खुद देखेंगे तो 600 करोड़ का कर्जा और कंपनी का इनकम कितना 1400-1500 करोड़ का। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर भरोसा करना चाहिए। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर तो ऑब्वियसली देखिए कंपनी, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 200 डेज के ईएमए के नीचे काम कर रहा था। मैं एक बार आपको सपोर्ट लेके आपको एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के से बारात बताया था, यहाँ पे बिग एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बिग सपोर्ट बन चुके हैं दो बार, इसको टच करके अभी 200 डेज ईएमए को तोड़ रहा है, ईएमए को तोड़ रहा है, मतलब इस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो मेरे हिसाब से फिर से एक नया मोमेंटम और नया रैली आपको देखने को मिल सकता है और कंपनी 6000 तक जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ मेरे जानकारी आपको साथ मतलब अच्छी लगा होगा, तो अच्छी लगा होगा तो प्लीज लाइक करना और कुछ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझको आपको पूछना है, मैंने कुछ गलत बता दिया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए।